मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत तब तब फैलाई जाएगी जब जब आप शिक्षा का सवाल पूछेंगे, जब आप रोजगार का सवाल पूछेंगे, जब आप पूछेंगे कि किसानों का आय दोगुना कहाँ हुई, जब आप सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल 100 रुपया लीटर क्यों हो गया, LPG गैस 1000 रुपये लीटर क्यों हो गई, 5 किलो तुमने यूरिया घटा दी और उसका जो है दाम उतना ही रखा, खेत में जुताई बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई, पढ़ाई बिक गई और उसके बाद कमाई ख़त्म हो गई और अचानक वो लोग कहते हैं कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। इस देश के नौजवानों को और घर में TV देख रहे, WhatsApp पर हिंदू मुस्लिम के जहर देख रहे लोगों को एक बार ठहर के सोचना है। आप अपने बच्चों को दंगाई बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप स्कूल विश्वविद्यालय भेजना बंद कर दीजिए उनको, उन सबको BJP का एजेंट बनाइए, उनकी पार्टी ज्वाइन कराइए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल और तमाम तरह के दल जो बने हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च मत करिए, आप भूखे रह लीजिए, आप पेट्रोल मत भराइए, आप जो है सिलेंडर मत भराइए, आप जाइए उनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ो। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों करते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक फेक नरेशन है, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित, शोषित, कमेरा, श्रमजीवी विरोधी है। हिंदू कौन है मैं सवाल ये पूछता हूं। अगर हिंदू OBC थे तो 2019 तक 0 प्रोफेसर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में OBC के क्यों थे? अगर दलित OBC थे तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के कितने जज दलित बने हैं? अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू हैं तो इनके प्रोफेसर 85% कहाँ हैं, इनके वकील 85% कहाँ हैं, इनके डॉक्टर, इंजीनियर 85% कहाँ हैं? कौन बात का हिंदू राष्ट्र है? 85% इस देश की जमीन पर दलित, पिछड़े, आदिवासी का मालिकाना हक है क्या? तो अगर सब हिंदू थे तो इनका हक कौन मारा? 15% ब्राह्मण सवर्ण लोग, और वो 15% लोग अचानक से जब जल जंगल जमीन की बात होती है, शिक्षा रोजगार की बात होती है, नौकरी चाकरी की बात होती है, खेती किसानी की बात होती है तो उनको हिंदू याद आता है। जब मुसलमान से दंगा कराना हुआ तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अरे ये संविधान का राष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, फूले पेरियार ने इसको एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान दिया, उसमें सब बराबर के नागरिक हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान? तुम जाति जनगणना कराओ और जो जातियां पिछड़ गए हैं उनको बराबरी का हक दिलाओ। तुम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? हिंदू होने का मतलब वर्ण व्यवस्था, हिंदू होने का मतलब जाति व्यवस्था। अभी एक गया है ना इस्लाम से कन्वर्ट होकर के हिंदू में, तो कौन सी जाति में रखे, ब्राह्मण बनाओगे? ये लोग फेक नरेशन चलाते हैं ताकि ये देश बर्बाद हो जाए और ये देश अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया जाए, आप उस पर बोल ना पाए, आप हिंदू मुस्लिम करते रह जाएं, कब्रिस्तान पाकिस्तान, अब्बा जान और ये सब करते रह जाएं, और ये पूरा देश अंबानी अडानी के हाथों बेच करके एक दिन अचानक आपको लगेगा कि आपके शिक्षा, रोजगार सब कुछ बिक गया है, प्राइवेट हाथों के गुलाम आप हैं, दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को ये मिलेगा, आपकी जेब में पैसा तो शिक्षा मिलेगी। यही हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में हाथरस होगा, हिंदू राष्ट्र में उन्नाव होगा, हिंदू राष्ट्र में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हर तरफ से मारा जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और अचानक दंगाई बना दिया जाएगा कि मथुरा काशी बाकी है अभी, चलो वहां जाने। अरे ये मोदी और अमित शाह का बेटा जो जय शाह है उसको लेके जाओ मथुरा काशी में आंदोलन कराओ। मौर्या जी को क्यों आगे बढ़ाया? मौर्या जी को इसलिए आगे बढ़ाया है कि प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया जाए और उसके बाद उनका, दलित, पिछड़ों का वोट लेकर के उनको स्टूल दे दिया जाए। पूरे 5 साल में मौर्या जी एक काम अच्छा कर नहीं पाए होंगे। अरे उनको मुख्यमंत्री अपना निजी सचिव तो रखने नहीं दिया, अब अचानक से मौर्या जी कह रहे हैं कि जब 22 का चुनाव हो जाएगा तब विधायक दल के नेता चुनेंगे हम बाद में। अरे वो कह नहीं पा रहे कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मूर्ख बनाने के कंधे का इस्तेमाल किया जाता है दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, दो जगह दंगा कराना हो तम और या तो आपस में लड़वाना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता से, देश भर की आवाम से मेरा एक सवाल है, कहाँ गया 70 लाख नौकरी जो योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में देने कहा था? कहाँ गया वो पेट्रोल, डीजल, महंगाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, इन सब के मुद्दे कहाँ गए? वो मथुरा काशी के नाम पर आप केवल दंगाई बना रहे हैं अपने बच्चों को। अरे ऐसे लोगों को घर में घुसने मत दीजिए, मोहल्ले में घुसने मत दीजिए। किसानों ने सिखाया है आंदोलन कैसे किया जाता है, बदनाम हुए, 750 किसान शहीद हुए, झुके नहीं, 56 इंच वाले को झुका के रख दिया, कह रहा है कि तपस्या में कमी रह गई। जिस दिन इस देश के 85% हिंदू जो कहा जा रहा है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी मूल निवासी हैं, और वो लोग जिस दिन अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार, अपनी महंगाई, अपनी कमाई, अपनी दवाई, अपनी सिंचाई, अपनी पढ़ाई इसके लिए लड़ने लगेंगे, ये अयोध्या, मथुरा, काशी की बाजार और दुकान बंद हो जाएगी और ये देश बाबा साहब के संविधान वाला भारत बनेगा, न कि गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार वाला, ना वीर सावरकर वाला और नाथूराम वाला, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बने। और वैसे भी ये हिंदू राष्ट्र कोई बनने वाला नहीं है, ये आपके बच्चों का पीढ़ी बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
ये रहेगा वही, लेकिन जब तक आप समझेंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए और आपके पास कुछ बचाने का नहीं।